इस बात में कोई शक नहीं है कि हर एक फिल्म में विलन का एक अहम रोल होता है। विलन फिल्म की कहानियों में ट्विस्ट लाने का एक अहम किरदार निभाते हैं। जहां आज बॉलीवुड के विलन दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, तो वहीं पॉपुलैरिटी के मामले में साउथ के विलन भी कुछ कम नहीं है। इन विलन्स को आज हर कोई देखना पसंद करता है। तो वहीं साउथ में एक ऐसा विलन है जिसको आप साउथ की हर दूसरी फिल्म में देख सकते हैं, जिसको आप कभी मोटा राजेंद्र के नाम से जानते हो, तो उनकी एक्टिंग और नेगेटिव रोल दर्शकों को बड़ा पसंद आता है। दोस्तों, आप सभी मोटा राजेंद्र को तो अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन क्या आपने इनकी पत्नी को देखा है? वो क्या करती हैं, कैसी दिखती हैं? तो दोस्तों, इन सभी बातों को जानने के लिए आप हमारी वीडियो के एंड तक बने रहें और मोटा राजेंद्र की शानदार अभिनय के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, मोटा राजेंद्रन का जन्म 1 जून 1957 को तुतुकुड़ी में हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक स्टंटमैन से की। आज वो जैसे दिखते हैं, पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। दरअसल एक एक्सीडेंट के कारण इनकी ये हालत हुई। इनको एक स्टंट में बाइक लेकर तालाब में कूदना था। जब ये स्टंट खत्म हुआ तो पता चला तालाब में फैक्ट्री द्वारा केमिकल का पानी मिलाया गया था, जिसकी वजह से उनके पूरे शरीर का रंग काला पड़ गया और इसका फायदा राजेंद्र को बखूबी हुआ। इनके काले रंग के कारण साउथ की फिल्मों में विलन के रोल ऑफर होने लगे। ये करीब 500 से अधिक साउथ फिल्मों में विलन का रोल निभा चुके हैं। वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री में छोटे मोटे रोल में नजर आ चुके हैं। उनकी पत्नी की बात की जाए तो उनकी पत्नी के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन फोटो से पता चलता है कि इनकी पत्नी दिखने में बड़ी खूबसूरत है। और हाल ही में इनकी पत्नी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, जिनमें वो किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही। अगर वो आज कोई अभिनेत्री होती तो शायद एक बड़ा नाम बन चुकी होती। तो दोस्तों, आपको मोटा राजेंद्रन की पत्नी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।